प्रयागराज के गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित एवं समर्पित प्रयागराज की एकमात्र सिविल सेवा की संस्थान सुपर 60 मॉडल लॉन्च्ड बाय केडी सिंह आईएएस एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम योगेश गौड़ है और आपको मैं एक विशेष विषय पर मैं आपसे कुछ डिस्कस करने आया हूं और कुछ ऐसे बिंदु हैं आईएएस पीसीएस को लेकर के जहां पर चर्चा होना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में हमारी एक संस्था है केडी सिंह आईएएस एकेडमी, एक संस्था है केडी सिंह आईएएस एकेडमी, हमारी अपनी एक संस्था है केडी सिंह आईएएस एकेडमी। तो यहाँ पर हम एक सिविल सर्विस के लिए 2024 का हमारा टारगेट है और आईएएस पीसीएस के लिए हम एक प्रोग्राम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम है सुपर 60। सुपर 60 एक प्रोग्राम हम एक लॉन्च करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है आपका, ये आपका 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए, यूपी पीसीएस या किसी अन्य पीसीएस के लिए हमारा ये एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है ना। तो केडी सिंह आईएएस एकेडमी प्रयागराज की एक संस्था है और एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है सुपर 60। तो अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो प्रोग्राम है आईएएस पीसीएस के लिए और ये सुपर 60 नाम आखिरकार क्यों है, क्या नाम है इसका, और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो आईएएस पीसीएस की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं तो निसंदेह उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं कि जिसको लेकर के जो छात्र और छात्राएं हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा का भाव है। तो मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके सामने आखिरकार किस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो कुछ समस्याएं हैं आईएएस पीसीएस के छात्र के सामने, आईएएस पीसीएस के रिगार्डिंग जो छात्र जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर किस प्रकार के प्रॉब्लम्स उस छात्रों के सामने आ रही है। सबसे पहली समस्या ये है छात्रों के सामने कि जो सिलेबस है, जो इसका पाठ्यक्रम है, आखिरकार इसका जो पाठ्यक्रम इतना ब्रॉड पाठ्यक्रम है, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, आखिरकार इस पाठ्यक्रम को पूर्ण कैसे किया जाए, कंप्लीट कैसे किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पाठ्यक्रम को पूरा तैयार कैसे किया जाए, पूरा तैयार कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाठ्यक्रम को कंप्लीट किस तरीके से किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो विभिन्न संस्थाएं हैं जो तैयारी कराने वाली हैं वो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थियों की जो एक लेंथ होती है, एक सीमा होती है विद्यार्थियों को, तो वो विद्यार्थियों को जो सीमा है वो सीमा कहीं हद तक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जहां लगभग मान के चलिए कि एक एक हॉल के अंदर या उससे ज्यादा हॉल के अंदर के लगभग 3000 स्टूडेंट या 2000 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट को एक साथ बैठा करके ये आईएएस पीसीएस की तैयारियां ये बड़ी बड़ी संस्थाएं करा रही हैं। तो छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कराने वाली जो संस्थाएं हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में बहुत से ग्रामीण प्रवेश के ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अधिकतर ग्रामीण प्रवेश के होते हैं, तो ग्रामीण प्रवेश का जो छात्र है या छात्रा है तो उनके सामने एक समस्या ये आती है कि इतनी बड़ी भीड़ में वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते, अपने आप को सेटल नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी गैदरिंग जो तैयारी करा रहे हैं एक साथ छात्रों को बैठा करके, तो कहीं ना कहीं जो फैकल्टी है पढ़ाने वाली, फैकल्टी और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गई है, बहुत ज्यादा दूरी हो गई है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो गए। मान लीजिए कि एक फैकल्टी है और एक फैकल्टी एक हॉल में 500, 1000, 2000 बच्चों की स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा रही है, तो ये जो फैकल्टी है, जो गुरु हैं, जो टीचर हैं, क्या ये गुरु व्यक्तिगत तौर पर हर शिष्य से मुलाकात कर पाएंगे?
या हर एक स्टूडेंट से वार्तालाप कर पाएंगे, गेट टुगेदर कर पाएंगे? और सिविल सेवा की तैयारी में आप अच्छे से जानते हैं कि अगर स्टूडेंट का संवाद अगर फैकल्टी से अगर नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का, जो विकास होना चाहिए, जो गुण, जो प्रतिभाएं उत्पन्न होनी चाहिए एक आईएएस और पीसीएस के छात्र के लिए, वो कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इन फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में अवरोध उत्पन्न है, क्योंकि ये एक साथ 3,000, 2,000, 1,000 स्टूडेंट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी भीड़ होगी संस्थाओं में और फैकल्टी एक स्टूडेंट 1,000, 2,000, 3,000 स्टूडेंट एक साथ बैठा है, तो जब तक स्टूडेंट का संवाद फैकल्टी से नहीं होगा, फैकल्टी का संवाद स्टूडेंट से नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि इनका एक बेहतर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करेगा, और कहीं ना कहीं वो जो छात्र जो तैयारी कर रहा है उनके बीच में ये अपने आप को ठगा महसूस करेगा कि मैं आया था किसी पर्पज के लिए लेकिन मेरी दशा और दिशा कुछ और ही हो गई है। क्यों? क्योंकि एक चीज स्मरण रखिएगा जीवन में कि अगर शिक्षा में बाजारवाद को देखना हो, कि शिक्षा में मार्केटिज्म अगर आज किस हद तक चल रही है, तो मार्केटिज्म को समझने के लिए, मार्केटिज्म या बाजारवाद को समझने के लिए आप बस एक चीज का स्मरण रखिए, एक चीज कॉमन बात है कि जहां जो भी संस्था है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी इंस्टीट्यूट है, अगर उस स्टूडेंट्स में शिक्षक शिक्षक और शिक्षार्थी इन दोनों के बीच में दूरियां जितनी ज्यादा होंगी, बाजारवाद, शिक्षा में बाजारवाद या मार्केटिज्म आपका बहुत हद तक हावी होगा क्यों? क्योंकि शिक्षक वही शिक्षार्थी से संवाद नहीं कर पाएगा जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे। 1,000, 2,000, 3,000 स्टूडेंट एक साथ बैठा होगा तो पर्सनली हर एक फैकल्टी हर एक स्टूडेंट से संवाद नहीं कर पाएगी, डिस्कस नहीं कर पाएगी। और जब एक स्टूडेंट है जो अपनी समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं को वो अपनी फैकल्टी से डिस्कस नहीं कर पा रहा है, तो वो दुर्भाग्य है उस स्टूडेंट का। और इनकी समस्याएं हैं इनके सामने कि एक फैकल्टी को इतने सारे स्टूडेंट के सामने पढ़ाने के लिए उनको खड़ा कर दिया गया, तो इन हालातों में। और तीसरी एक बड़ी समस्या निकल के आती है, मैंने आपको बताया ना कि मार्केटिज्म और बाजारवाद, अगर आपको देखना हो कि शिक्षा में बाजारवाद किस हद तक है, तो आप समझ जाइएगा कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही बड़ा बाजारवाद शिक्षा में होगा, नॉर्मली है। और जहां आईएएस पीसीएस की डिमांड क्या है, आईएएस पीसीएस की डिमांड ये है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी फैकल्टी से बात कर पाए, उस हद तक डिस्कस कर पाए, तो वो अपना डेवलपमेंट वो करवाए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट के सामने, वो लेखन शैली की है। लेखन शैली की सबसे बड़ी समस्या उसके सामने है कि जो वो लिख रहा है बंदा, जब वो 500, 1,000, 2,000, 3,000 स्टूडेंट के बीच में बैठेगा तो वो अपनी लेखन शैली को किस हद तक बेहतर कर पाएगा, जबकि इन हालातों में वो अपनी फैकल्टी से वार्तालाप तक नहीं कर पा रहा है। तो लेखन शैली उसकी एक सबसे बड़ी समस्या बन के पैदा हो जाती है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आयोग है, क्या हम उस आयोग, जो यूपीएससी या यूपीपीएससी जो कमीशन है जो कंडक्ट करते हैं आईएएस या पीसीएस के एग्जाम को, तो क्या आयोग के अनुरूप हम अपने स्टूडेंट को डेवलप कर पा रहे हैं? तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं स्टूडेंट के सामने और वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे, लेखन शैली बेहतर नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपका शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में इतनी ज्यादा दूरी हो गई है। जब आपको पता है बहुत बेहतर तरीके से कि आईएएस पीसीएस का प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है, मेंस से आपका मेरिट बनकर तैयार होता है, तो जब जिस चीज से मेरिट बनकर तैयार होगी और उसमें ही स्किल्ड उसके बेहतर नहीं होंगे, वो बेहतर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, तो आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन की संभावनाएं उतनी ही कम होती चली जाती है। तो इन्हीं सब समस्याओं का निदान, यहां पर लेखन शैली का अभाव रहेगा, आयोग के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, एक और इसमें बात है कि अभ्यास निरंतर इन लोगों का नहीं होता है। अभ्यास जब तक निरंतर नहीं होगा, चाहे प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस की बात हो, चाहे मेंस के लिए प्रैक्टिस की बात हो, चाहे समय समय पर उनकी लेखन शैली को बेहतर से बेहतर करने का काम हो, क्योंकि जब ये भीड़ का हिस्सा बनकर तैयार हो जाते हैं छात्र, तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप को बेहतर नहीं कर पाते। तो इन सारी समस्याओं का निदान हम करके लेके आ रहे हैं सुपर 60 के माध्यम से। जो केडी सिंह आईएएस एकेडमी है, प्रयागराज की एक नामी संस्था है,
30 वर्ष पुरानी संस्था ये अपनी सेवाएं दे रही है और काफी सारे सिलेक्शन आईएएस और पीसीएस में बहुत सारे सिलेक्शन इसने दिए। अब ये केडी सिंह आईएएस अकेडमी एक ऐसा मॉडल तैयार कर मॉडल तैयार किया है सुपर 60 के नाम से, जो कि आईएएस पीसीएस के जो छात्र हैं इनके सामने इतनी सारी समस्याएं आती हैं, तो इन सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया गया है। ये जो संस्था है इनका जो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ ये इन प्रकार जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को ही पूरा करने में ये लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस, कहीं ना कहीं वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते छात्र अपने डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। तो इन्हीं सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं केडी सिंह आईएएस अकेडमी के द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है सुपर 60 मॉडल। तो आखिरकार इस सुपर 60 मॉडल की विशेषताएं क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन सब समस्याओं का निदान किस तरीके से इस मॉडल के द्वारा किया जा रहा है। केडी सिंह आईएएस एकेडमी, केडी सिंह आईएएस एकेडमी का जो मॉडल है सुपर 60 का जो मॉडल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो सुपर 60 मॉडल है, सुपर 60 मॉडल जो केडी सिंह आईएएस अकेडमी का जो सुपर 60 मॉडल है, इसमें जो 60 है, ये जो 60 है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये छात्रों की संख्या है। अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि सब 60 बच्चों का ही ये नाम, 60 बच्चे ही क्यों लिए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो 60 की जो एक नंबरिंग है, आप नॉर्मली अकेडमी को देखते होंगे तो किसी भी क्लास में 50 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, तो 60 एक ऐसी आइडियल नंबर है, एक आइडियल ऐसी संख्या है जो जिसमें आपका ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा भीड़ है और ना बहुत ज्यादा कम स्टूडेंट है। तो एक 60 हमने एक नॉर्मली नंबरिंग लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए कि हमारा जो बैच बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 60 बच्चों का बैच बनकर तैयार होगा। तो इन 60 बच्चों को किस तरीके से हम लोग लेके जाएंगे, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हम करेंगे, उसको बारी बारी से हम इसका निरीक्षण करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो जिन 60 स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट कर रही है संस्था, तो उन 60 स्टूडेंट का सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम को हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक। 60 स्टूडेंट का जो हम चयन करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा है और संस्था इस तरीके से दावा नहीं करती है कि ऑफलाइन में हम 500 1000 स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा करके हम एक हर एक स्टूडेंट के साथ न्याय कर पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्था, कोई भी संस्था 500,000 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा करके उनके साथ बेहतर कम्युनिकेट स्थापित करके उनका बेहतर से बेहतर कल्याण करेगी, ये संभव नहीं है। तो हम सिर्फ उतने स्टूडेंट को हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं जिनके साथ हम बेहतर कमांड कर पाए, बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन हम लोग कर पाए, हर एक फैकल्टी से हर एक स्टूडेंट का संवाद हो सके। तो उसके लिए 60 स्टूडेंट को जो हम ले रहे हैं, वो 60 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन ले रहे हैं, जो सेलेक्ट कर रहे हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका 50 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन का एग्जाम है। और जो एग्जामिनेशन जो फी रखी है हम लोगों ने, जो एग्जामिनेशन फी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये हम लोगों ने रखा है। एंट्रेंस एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम होगा 50 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू होंगे, उस एमसीक्यू में जो बेहतर कैंडिडेट होंगे, जो टॉप करेंगे, बेहतर से बेहतर स्टूडेंट निकल के आएगा। तो और इसके साथ ही साथ एक चीज और करेंगे हम, इनका हम एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, छोटा सा इंटरव्यू भी होगा, साक्षात्कार भी होगा लगभग 15 से 20 मिनट का, जिससे कि हम ये कर पाए कि जो स्टूडेंट हम जो ले रहे हैं कि बाकी में उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, कि क्या उसने एक विद्यार्थी जीवन को पास्ट में बिताया है, कि क्या बेहतर से बेहतर बिताया है। ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा उद्दंड स्टूडेंट रहे हैं वो बेहतर से बेहतर कार्य नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते और करते आए हैं। कहते हैं ना कि जो बैक सीटर जो होते हैं वो अक्सर आगे चल के वही फर्स्ट परफॉर्मेंस में आते हैं, बेहतर से बेहतर वही लोग करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियों में हम एक एंट्रेंस एग्जाम और एक इंटरव्यू जो 15 से 20 मिनट का होगा, उससे हम बेहतर से बेहतर स्टूडेंट निकालने का हम लोगों का प्रयास है।
क्यों? क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट के साथ में काम करना है। यहां पर ये कॉन्सेप्ट है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट है लीस्ट क्वांटिटी, लीस्ट क्वांटिटी बट बेस्ट क्वालिटी, बट बेस्ट क्वालिटी। यानी कि हम क्वांटिटी तो लेस रख रहे हैं, कम से कम क्वालिटी रखने का, कम से कम क्वांटिटी रखने का प्रयास कर रहे हैं, बट हम बेस्ट क्वालिटी पर काम करना चाहते हैं। तो जब होता है ना कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो वही चीज है कि मिनिमम क्वालिटी क्वांटिटी बट मैक्सिमम क्वालिटी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि जब हम कम से कम स्टूडेंट को हम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि बेहतर से बेहतर स्टूडेंट को हम लेने का प्रयास होगा। पहली चीज, 60 स्टूडेंट का जो चयन होगा वो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से ही होगा, और देन जब स्टूडेंट हमारे साथ जब जुड़ेगा और जो स्टूडेंट निकल के आएंगे, 60 स्टूडेंट का जो चयन होगा उसी का ग्रुप का नाम दिया गया है सुपर 60, सुपर 60 ये नाम दिया गया है। दूसरी चीज कि ये जो एग्जाम होगा, ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा एंट्रेंस एग्जाम, वो आपका संडे को एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, संडे को एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, और लगभग 2-3 संडे लगातार ये एग्जाम चलेगा। तो हर संडे को ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और इस एग्जाम पर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, स्टूडेंट आ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, थोड़े थोड़े स्टूडेंट को हम लोग, बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट को हम निकाल के लेके आ रहे हैं, तब ये सुपर 60 का एक बैच, ये जो प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। दूसरी चीज, एग्जाम हर संडे को होगा। तीसरी चीज कि जो सुपर 60 में जो सेलेक्ट होंगे बच्चे, और सेलेक्ट होने के बाद में इनके इनका जो प्रीलिम्स की जो तैयारी होगी, तीन फॉर्मेट है इसके, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीन फॉर्मेट होते हैं इसकी आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। तो प्री के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अमूमन जो मोटी मोटी जो सब्जेक्ट हैं, आपके जो मोटी मोटी सब्जेक्ट हैं वो लगभग 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक पेपर आपका हो गया एथिक्स का, और एक आपका पोर्शन हो गया ऐसे का। तो इसको हम लोगों को कवर करना है, और प्री और मेंस यहां पर जो तैयारी होने वाली है, प्री और मेंस को दोनों हम एक साथ लेके चलेंगे। ये लगभग 14 से 16 मंथ का आपका ये प्रोग्राम है। तो लगभग मान के चलिए कि 16 मंथ है, 17 महीने 18 महीने तक भी जा सकता है ये। तो इसमें प्री और मेंस के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, कि जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उस प्रीलिम्स से पहले लगभग हम 50 से 60 टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे। किस तरीके से करवाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल जो हिस्ट्री का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो हम अमूमन एक एवरेज मान के चलते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का लगभग 10 से 12 आपके चैप्टर होंगे। 10 से 12 क्या होंगे? 10 से 12 हर सब्जेक्ट का चैप्टर अमूमन होगा। तो यहां पर जो प्रीलिम्स के लिए जो बात की जा रही है, तो प्री के लिए क्या है, यानी कि हर चैप्टर के बाद 100 क्वेश्चन का आपका प्री की प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट आपका लिया जाएगा। यहां पर जब भी हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट होगा, वो आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट होगा प्रीलिम्स के लिए। और इस तरीके से करते हुए जो 10 से 12 चैप्टर जब निकलेंगे, तो 10 से 12 प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज इसमें हिस्ट्री का कंडक्ट होगा, इसी तरीके से ज्योग्राफी का, इसी तरीके से पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप देखते होंगे तो लगभग टोटल चैप्टर को आप देखोगे तो लगभग 50 से 60 लगभग चैप्टर ये निकल के आते हैं। तो 50 से 60 टेस्ट चैप्टर निकल के आ रहे हैं, तो लगभग 50 से आपका 60 प्री के लगभग इतनी टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट होंगे। यहाँ प्रीलिम्स के लिए हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट सीरीज है। यदि हम मेंस की हम बात करें, तो मेंस के लिए अगर आप बात करोगे, तो मेंस को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहां पर जो मेंस है, इस मेंस के लिए आपका 2 से 3 क्वेश्चन पर डे आपका प्रैक्टिस है। इसको आप थोड़ा सा इधर समझ लीजिए,
देखिए जो आपका इसकी हिस्ट्री है आपका ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, इसको मैं लिख देता हूँ पॉलिटी है, ये ज्योग्राफी हो गया, ये आपका हिस्ट्री हो गया, ये आपका इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो लगभग 10 से 12 इसके थे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि प्री के लिए हर चैप्टर के बाद आपका एक मॉक टेस्ट होगा, यहाँ पर जो क्लासेस चलेंगी लगभग 4 आवर्स पर डे की क्लास रहेगी, लगभग 4 घंटे पर डे क्लास रहेगी। मान लीजिए एक हिस्ट्री का चल रहा है तो एक ज्योग्राफी का चल रहा है, तो प्री का मैंने आपको बताया जैसे हिस्ट्री का चैप्टर है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आईबीसी है, आईबीसी का चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो आईबीसी के रिगार्डिंग जितना भी प्री के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपका तुरंत मॉक टेस्ट आपका ले लिया जाएगा। और यहाँ पर अगर मेंस की बात करोगे तो मेंस का जो क्लास चलेगी उसी क्लास में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, डेली आपका प्रैक्टिस है। ऐसे 2 घंटे की क्लास इसकी चलेगी, जैसे प्री के लिए जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा पहला, तो आपका 100 क्वेश्चन का आपका एक मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा। और मेंस के लिए वही आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका पर डे प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। तो 2 घंटे क्लास ये चल रहा है और 2 घंटे की क्लास ये चल रही है, तो इस तरीके से पर डे लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन मेंस पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन मेंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ मिलेगा। तो सोचिए यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन मेंस का पर डे आपको प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पर आपका फैकल्टी के साथ में कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में बाकी जो संस्थाएं कर रही हैं तो वो तो हमारी भी संस्था उस तरीके से करने लगेगी। इसीलिए ये आपका सुपर सिस्टी का मॉडल यहाँ रखा गया है कि कम से कम क्वांटिटी रहे लेकिन बेहतर से बेहतर क्वालिटी पे हम काम कर पाए। तो जो 60 स्टूडेंट हैं, ये 60 स्टूडेंट ये एक ऐसी संख्या है कि यहाँ पर जो प्री और मेंस के लिए जो प्रैक्टिस लगातार कराया जा रहा है, हर चैप्टर के बाद यहाँ पर आपको प्री के लिए टेस्ट सीरीज दी जा रही है, मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन पर डे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, तो 60 स्टूडेंट की ऐसी संख्या है कि यहाँ पर हर स्टूडेंट स्टूडेंट है वो स्टूडेंट वो किसी भी फैकल्टी से वो कम्युनिकेट कर सके, फैकल्टी के साथ कम्युनिकेट कर सके। और इसमें कमिटमेंट है, कमिटमेंट क्या है कि कोई भी फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है वो 24/7 आपके साथ अवेलेबल है, कभी कोई दिक्कत आ रही है, कभी किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, मान लीजिए कोई शॉर्ट प्रॉब्लम है, कोई छोटी प्रॉब्लम है, तो आपको वो फोन पे ही सॉल्यूशन वो देंगे। अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंथी है तो आपकी जो क्लास नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास में उस सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट किया जाएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है आप कम्युनिकेट रहिए, लगातार कनेक्ट रहेगी हर एक फैकल्टी, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या एथिक्स का पोर्शन हो, जब तक एथिक्स की क्लास चल रही है ये ऑल टाइम आपके साथ कनेक्ट है, अंटिल जब तक कि 2024 का जो टारगेट सेट है उस 2024 के टारगेट को हम लोग क्रैक नहीं कर देते। तो जब हम ऐसी स्थितियों की बात करते हैं तो हम तभी बेहतर से बेहतर आउटपुट दे पाएंगे 2024 में, जब तक स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन बना रहे। ये कम्युनिकेशन अगर बेहतर से बेहतर बना रहेगा, आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना, कोई भी प्रॉब्लम है फैकल्टी आपके साथ कनेक्टेड है, तो जब कनेक्टेड है हर चीज आपको मिल रही है, हर एक फैसिलिटी आपको हम प्रोवाइड कराने को तैयार हैं, हर एक चीज स्टडी से अलग आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम में जो आपकी पढ़ाई का वेरिएशन आ रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको कोई नेगेटिव वाइब्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हर एक फैकल्टी हर पूरी की पूरी संस्था आपके साथ खड़ी है। तो जब ऐसा एनवायरमेंट हम आपको देने के लिए तैयार है, 24 आवर्स हर फैकल्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार है, आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार है, तो क्यों ना हम ऐसे एनवायरमेंट में आए जिस एनवायरनमेंट में आपकी हर एक समस्या का समाधान हर एक फैकल्टी के साथ रह करके किया जाए। सिर्फ कारण यही है कि यहां पर फैकल्टी और जो स्टूडेंट के बीच में जो एक ह्यूज डिस्टेंस जो क्रिएट हो गई है उसको हमने लोगों ने मिनिमाइज करने का प्रयास किया है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में जितना कम से कम गैप होगा संवाद उतना ही ज्यादा होगा, कम्युनिकेशन उतना ही ज्यादा होगा, स्टूडेंट की जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी, जितनी भी नीड होगी, जितने भी उसके क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी वो डायरेक्ट अपनी फैकल्टी अपने गुरु से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के उनको सॉल्यूशन मिल ले सकता है।
तो यही हमने लोगों ने सुपर 60 के माध्यम से जो आईएएस पीसीएस के लिए जरूरी है कि फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा रहे, गैप कम से कम रहे, उसी गैप को हमने भरने का प्रयास किया है। तो जब आप पर डे 4 से 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, आप प्रीलिम्स के लिए आप लगभग 50 से 60 टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करोगे, तो यहाँ पर टोटल चल क्या रहा है आखिर का। यहाँ पर आपको लगातार 2024 के एग्जाम के लिए लगातार हम लोग आपसे आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, अब डेली अपडेट चल रहा है, डेली प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कंटेंट लगातार चल रहा है बड़ी बड़ी संस्थाओं में, लेकिन कंटेंट के साथ साथ में उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, कोई कोई भी इस तरीके से उनका आउटपुट नहीं निकल के आ रहा, फीडबैक नहीं निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आपका हर दिन फीडबैक है, हर दिन प्रैक्टिस है, हर दिन आपको एग्जाम देना है। तो जब लगातार निरंतर 1 साल 1.5 साल तक लगातार इस एनवायरमेंट में आप रहोगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीलिम्स का मेंस का लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आउटपुट आपका बेहतर से बेहतर निकलने की पूर्ण संभावना है। तो जब हम पर डे 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और लगभग 14 से 16 महीने तक ये चलेगा, लगभग 18 महीने तक मान लीजिए अगर ये चलेगा, 16 महीने तक भी हम मान लेते हैं, तो देखिए 12 महीने में 365 दिन होते हैं और बचा कितना आपका 4 महीने, 4 महीने में 120 दिन हो गया, लगभग 485 डे हो गए। हम 485 दिन को नेगलेक्ट कर देते हैं, प्रीलिम्स के भी टेस्ट सीरीज होंगी, 85 दिन में 50 से 60 टेस्ट सीरीज, 50 से 60 दिन तो इसी में चले जाएंगे, फिर इसका डिस्क्रिप्शन चलेगा, हर क्वेश्चन का बारीकी से उसको कैलकुलेट किया जाएगा, कॉन्क्लूजन निकाला जाएगा। तो लगभग 400 दिन भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर डे 4 से 5 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 416 लगभग 1 साल में, यानी कि प्रीलिम्स से पहले आप लगभग 1500 से 1600 क्वेश्चन का मेन्स का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये कोई इजी टास्क नहीं है, ये निरंतर जब आप चलेंगे पर डे 4 से 5 क्वेश्चन पर डे लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, तो हम मानते हैं कि जब संस्था और फैकल्टी के साथ आप लगातार कम्युनिकेट में रहोगे, लगातार कम्युनिकेशन बना रहेगा, तो ये 1500 से 2 1600 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना सारा कुछ होने के बाद मान लीजिए आपका प्रीलिम्स और मेंस का हमने लगातार बेहतर आपका प्रैक्टिस कराया, लगातार प्रैक्टिस कराने के बाद में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है और प्री से पहले लगभग 1500 से 1600 क्वेश्चन पे हम लोगों को प्रैक्टिस कराना ही कराना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेन्स के लिए, मेन्स की प्रैक्टिस के लिए लगभग 25 मॉक टेस्ट, मेन्स के लिए क्या है, मेंस एग्जाम के लिए लगभग आपका 25 मॉक टेस्ट, 25 मॉक टेस्ट आपका मेंस के लिए इसमें इनबिल्ड है। तो इनबिल्ड है, 25 मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि प्री से पहले ऑलरेडी हम लोग लगभग 1500 से 1600 क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करा चुके होंगे। और आफ्टर प्री जब मेंस में आप एंटर करोगे तो आप सोचिए कि इतना प्रैक्टिस आप करके आ रहे हैं और साथ ही साथ इसमें करंट के जो पोर्शन रहेंगे, आपका जो थर्ड पेपर मेंस का है और आपका सेकंड पेपर में आपका जो पॉलिटिकल जो पोर्शन रहेगा, तो इसमें जो मेंस के क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसमें आपका मॉक टेस्ट लगातार प्रैक्टिस आपका कराया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आपका एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक दिन में आपकी पर्सनैलिटी में किसी भी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जैसे आप सुपर 60 मैं आप जिस दिन एंटर करेंगे, जिस दिन आप इनरोल्ड होंगे इसके लिए, तो उसी दिन आपका जो पर्सनलिटी डेवलपमेंट है उस पर लगातार फोकस किया जाएगा। तो ये एक मोटा मोटा एक इसमें सुपर 60 का पूरा मॉड्यूल है। इसमें सीधी सी बात है कि भाई यहां पर एक हम लोगों ने एक ओपिनियन रखा है कि 24/7 कोई भी फैकल्टी, जो भी आपकी फैकल्टी पढ़ा रही है, वो फैकल्टी आपका जहां निवास स्थान है, जहां रेजिडेंस है, जहां आप रह रहे हैं, उस रेजिडेंस पर आकर के आपको आपका निरीक्षण कर सकती है, ऑब्जर्वेशन कर सकती है कि कहीं आप दिशाहीन तो नहीं है। अगर ये दिशाहीन है या आपकी पढ़ाई का जो निरीक्षण करने के लिए फैकल्टी पहुंचेगी, कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है, तो वो फैकल्टी अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको सॉर्ट आउट भी प्रॉब्लम कराएगी। तो ये सिर्फ ये पर्पज है कि फैकल्टी के साथ में आपका डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे। और यहां पर एक सारी बातों की अगर मैं एक बात कहूं तो यहां पर केडी सिंह आईएएस अकेडमी का जो मूल उद्देश्य है कि गुरुकुल पद्धति पर आपकी सफलताओं के लिए प्रयास करना है।
यहाँ पर जो चाहिए स्टूडेंट को, जो चाहिए वो हम देंगे, लेकिन आप हमें वो दीजिए जो हमें चाहिए। तो जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर मिलने की संभावना है, तो आप सुपर 60 के लिए आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको केडी सिंह आईएएस एकेडमी का जो स्थान है प्रयागराज में, तो उसका जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को आप लिख जरूर लीजिएगा। एड्रेस क्या है, 72/73/3 स्टेनली रोड निकट मेहराबाद चौराहा प्रयागराज। और इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है 9415361462। संस्था का एक अन्य नंबर और है, 9621155888। तो ये दो नंबर संस्था के हैं। इस कांटेक्ट पर, इस एड्रेस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो एंट्रेंस एग्जाम जो चल रहे हैं उस एंट्रेंस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे कम से कम स्टूडेंट के बीच में रह करके बेहतर से बेहतर आउटपुट लेने के लिए। यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी ऐसी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी फैमिली के सामने भी इसमें रखी जाएंगी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है फैमिली के लिए, कि यहाँ पर आपको घर पे जाना अलाउ नहीं है। कारण क्या है कि स्टूडेंट कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर क्या है कि 3 से 4 महीने, 1.5 साल की तैयारी में 3 से 4 महीने बंदा घर पे निकाल देता है। जैसे कि होली पे 10 दिन चला गया, दिवाली पे 10 दिन चला गया, शादी है, विवाह है, फंक्शन है, रोका है, किसी की दे रही है, किसी का नामकरण है, तो बहुत सारे इसमें रीजंस वो गिना देता है कि घर पर जाना है, कि मम्मी ने बुलाया है, कि पापा ने बुलाया है। तो यहाँ पर टोटल बैन है घर पर जाना, आपको घर जाना अलाउ नहीं है। सिर्फ संस्था ने दो ही कंडीशन ऐसी रखी है जो घर पर जाना अलाउ है, जैसे कि आपकी जो सिस्टर एंड ब्रदर है उनकी कोई शादी का कोई फंक्शन है, शादीगर है, तो संस्था बोलती है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, जाना चाहिए। या भगवान ना करे कि कोई भी ऐसा ऐसी हादसा घर में हुआ है कि जहां पर घर पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो संस्था ये दो रीजन देती है, बाकी कोई भी संस्था नहीं देखती है कि तीसरा रीजन क्या है। तो आप भीड़ का हिस्सा बनने से बचना चाहते हैं, और कम से कम स्टूडेंट के बीच में रह करके डायरेक्ट फैकल्टी के साथ कनेक्ट होकर के 24/7 लगातार अनवरत रूप से 2024 का टारगेट सेट करते हुए अगर आपका माइंड मेकअप है, तो इस एड्रेस पर आप कांटेक्ट करें, या इन दोनों में से किसी एक नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक ट्रांसफर करेंगे, जो भी तैयारी करने वाले हैं, जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, वो स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं और जो कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इसको आप कांटेक्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो पाए। तो आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।